सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका एक नोटिस आया हुआ है रेलवे की तरफ से, उसमें उत्तर पश्चिम रेलवे जो जयपुर आरआर से जयपुर, उससे एक नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस आया था आपको, ये नोटिस की डेट है 30/4/2019। आवश्यक सूचना है दोस्तों, केंद्रीय रोजगार सूचना 2024 तहत लेवल 1 के पदों भर्ती दस्तावेज सत्यापन के क्रम में, केंद्रीय रोजगार सूचना 2024 लेवल फर्स्ट के पदों की भर्ती जिन अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन दिनांक 7/5/2019 को होने वाला था, वह अपरिहार्य कुछ कारणों की वजह से 12/5 को होगा। कृपया अपने कॉल लेटर उपरोक्तानुसार रेलवे कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लें, अभ्यर्थी कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर अवलोकन करते हैं ना दोस्तों। ये था जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। उसके बाद आगे की देखेंगे दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको मंगाए जा रहे हैं वहाँ पर, इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो B2 B1 के लिए क्या क्या चिकित्सा श्रेणी में रखा जा रहा है। B2 और B1 चिकित्सा श्रेणी में जो अभ्यर्थी असफल सिद्ध हुए हैं उनको B2C1 चिकित्सा श्रेणी में योग्यता के आधार पर रिक्तियों के अनुसार पुनः बुलाया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप A2 और B1 चिकित्सा श्रेणी में जो अगर आप चिकित्सा श्रेणी में जैसे आपके आई विजन कम है और आप इसमें फेल हो चुके हो, तो दोस्तों आपको उनको B2 और C1, जो B2 पोस्ट है C1 की पोस्ट है, उसमें आप चिकित्सा श्रेणी में योग्यता के आधार पर बुलाया जाएगा दोस्तों। ये वीडियो आप पूरी देखें दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है। इसके बाद देखते हैं ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो आपका एक फॉर्म भरवाया जा रहा है उसके बारे में देखिए दोस्तों। इसमें सारी डिटेल है, जैसे आपकी मार्कशीट की डिटेल, आपके पास मार्कशीट है तो यहाँ पे यस करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास 6 हैं तो वो यहाँ पे करना है, ST SC OBC सर्टिफिकेट एप्लीकेशन ये है तो आपको यहाँ पे करना है, ये और OBC का है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपका PH सर्टिफिकेट PW वालों के लिए तो यहाँ पे टिक करना है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ टिक करना है, एज रिलेक्शन क्लेम सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, CCA फॉर्म रेलवे इन्वेस्टमेंट इबिलेस्ट जो यहाँ पे क्लिक करना है, NDC बाई द सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पे टिक करना है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, और जो आपको मेडिकल मेडिकल एबिलिटी अंडर जो A to Z BI BZ I1 C1 C2 5 4 ये जो पूरी डिटेल इसके अंदर है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आपको डिक्लेरेशन जो ये है एक फ़ोटो लगाना होता है जो, और उसके बाद आपको थंब लगेगा और आप सिग्नेचर होंगे और आपके यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम ये, तो इस फॉर्म के अंदर ये भरना है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगला क्या है। उसके बाद ये है जो चंडीगढ़ जोन है उसमें जो कौन कौन से कोड, जो कौन कौन से सेंटर भरवाए जा रहे हैं मेडिकल के लिए उनके बारे में है। दिल्ली है 1 नंबर, अम्बाला 2 नंबर, फिरोजपुर 3 नंबर, लखनऊ 4 नंबर, और ये सारे जो वर्कशॉप अमृतसर वर्कशॉप ये 7 नंबर। दोस्तों ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो इसके बाद देखिए ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। अधिसूचना 2/18 के तहत दस्तावेज सत्यापन हेतु शैक्षण तकनीकी योग्यता संबंधित आवश्यक दस्तावेज इनके दो सेट निम्न क्रमानुसार तैयार करने हैं तो निम्न अलग अलग कोई दस्तावेज संलग्न न करें। इसके अलावा कुछ दस्तावेज संलग्न नहीं करना है। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र यदि हो तो इंटरमीडियम का अंक पत्र आवेदन में यदि विवरण भरा है तो, अगर आपने 12वीं भरी है तो 12वीं का भी दे यदि हो तो, स्नातक अंक सिर्फ पार्ट थर्ड का अंक आवेदन पत्र में यदि विवरण भरा हो, स्नातक की डिग्री यदि हो तो, CCS ITI का प्रमाण पत्र आवेदन में विवरण भरा है तो, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको बनना है, भूतपूर्व सैनिक की जो डिस्चार्ज बुक होती है उसकी प्रमाण पत्र की प्रति हो तो, और OBC का लेटेस्ट प्रमाण पत्र जिसको क्रिमिलियर नहीं होने का उल्लेख हो, SC ST को लेटेस्ट प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। ये एकदम क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे मैं आपको। यदि OBC हो तो OBC होने का स्वयं घोषणा 2 मूल प्रतियों में एक घोषणा पत्र भी ले जाना है, जो अगर आप OBC के हो तो। यदि आप अल्पसंख्यक हो तो पीस छूट का लाभ
अल्पसंख्यक के आधार पर लिया तो अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र और स्व घोषणा पत्र आपको वहाँ पे ले जाना है। यदि आय प्रमाण पत्र के आधार पर 30 छूट का लाभ दिया हो तो आय प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा के बुलावा पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, उपरोक्त क्रमानुसार मूल प्रमाण पत्रों के दस्तावेज तैयार कर साथ में लेके आवें, ये इसमें कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने पूरी डिटेल बताई है दोस्तों, ये भी वही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म है जो आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, जो फॉर्म आपको वहाँ दिया जा रहा है, जो कि मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फॉर्म। इसको देखिए, लिस्ट ऑफ जो फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन फॉर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है उसकी क्या क्या एग्जामिनेशन में क्या क्या जो आपकी जो चेक होगी, जैसे आपको यहाँ पे इस फॉर्म में नाम डालना है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो ओपीडी है वहाँ पे अपनी एज डालनी है, सेक्स डालना है, फिर उसके बाद फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन डालना है दोस्तों। मैंने आगे बताया आपको कि उसमें आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं सब फिजिकली एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन वो सबसे पहले हेयरिंग हो रही है और इसके बाद स्पीच हो रही है, उसके बाद पल्स चेक हो रही है दोस्तों, ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बताया कि पहले आपको उठक बैठक लगवाई जाएगी और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी चेक की जाएगी, हर्निया, हाइड्रोक्लोलिक ये हो, उसके बाद पाइल्स हो रही है दोस्तों, उसकी फिजिकल डेमो फॉर्मिटी, जो जो जैसे मान लीजिए आपको इसके अंदर वो यूरिन की जांच होगी, ब्लड की जांच होगी, ये सारी इसके अंदर, गायनो की एग्जाम फीमेल, अगर जो फीमेल है उसका जो, अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, फीमेल के लिए एग्ज़ाम इन फीमेल, फीमेल जो फीमेल है उनके लिए जो गायनो के लिए जो होता है उसके अंदर चेक की जा रही है दोस्तों। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, जो से CNS हो रही है, आप CNS की जांच हो रही है दोस्तों, RS की जांच हो रही है दोस्तों, उसके बाद CVS हो रही है और उसके बाद AS हो रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जांचें होती है जो हमारे हृदय से संबंधित होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए रूल आउट शूट, ये थोड़ा सा जो पेपर है थोड़ा सा ये क्या नाम कलर जो कलर इसका थोड़ा सा लूज है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए दोस्तों, आपकी जो आंखों का डिस्टेंस विजन है यानी बराबर जो 6x9 होना चाहिए, उसके बाद GI 6x9 होना चाहिए, 6x9 होना चाहिए और 6x9 और 6x12, ये पूरी डिटेल इस पेपर के अंदर है दोस्तों। उसके बाद ऑफ ग्लासेस, वो जो आपके फर्स्ट वाले में ग्लासेस अलाउड नहीं है दोस्तों, जो ग्लास जो अपने चश्मा होता है वो फर्स्ट वाले में अलाउड नहीं है, आप 2 पॉइंट तक का, 4 पॉइंट तक का, 6x9 और 6x12, ये तो कम से कम जो आपकी आंखों की जो होनी चाहिए दोस्तों। इसके नियर विज़न, अब जो आपको पास का विज़न क्या हुआ, जो 0.06 होगा, उसके बाद 0.006 होगा और 0.06 भी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं इसमें कलर विज़न में टेस्ट, कलर विज़न टेस्ट में ई जी एल जिसमें 13 और 13.3, ये इसकी क्वालिफिकेशन है कि आपको ये तो होना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद नाइट विज़न की वहाँ चेक नहीं हो रही दोस्तों। बिहो कलर विज़न, ये जो आपका कलर विज़न वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक बोर्ड दिखेगा, बोर्ड पे आपको कुछ अक्षर दिखाई जाएंगे, आपको अक्षर को पहचानना है कि उसके अक्षर क्या है, जो आपका कॉन्ट्रास्ट है वो दिखाई देगा। उसके बाद लासिक और उसके बाद एनी अदर एनवायरमेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपकी यूरिन की जाँच होगी जिसमें शुगर और ये चेक किया जाएगा और एम आर और एक्सरे चेस्ट किया जाएगा, उसे रेंडम ब्लड शुगर, आपकी जो जांच होगी ब्लड की उसमें रेंडम शुगर है कि नहीं, और आपके फिर उसके बाद ECG की जाएगी। अदर रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों विज़न की डिटेल यहाँ पे भरना आएगी दोस्तों, डिस्टेंट कितना है, आपकी पूरी डिटेल इस वीडियो इसके अंदर देखी जाएगी दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, अब हमारे पास एक जो वहाँ का डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी है, उसको भी आपको दिखा देता हूँ मैं।
डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों, डिक्लेरेशन फॉर्म है रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है वहाँ पे, आपको इस डिक्लेरेशन को कंप्लीट करना है। एम्प्लॉय कैंडिडेट, ये थोड़ा ब्लर है दोस्तों, इसके इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है कि हमारे पास मेरे दोस्त ने भेजा है दोस्तों वहाँ से खींच के। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसको, इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको पीछे जो पीछे का पोर्शन है इसमें दो वीडियो मिलेगी जो मुंबई की है, एक 2 मिनट की, एक लगभग लमसम 4 मिनट की वीडियो जिसमें आपको मुंबई की पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस आज के लिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, श्रेणी और मंडल इकाई के आवंटन हेतु विकल्प पत्र, ये विकल्प पत्र आपको दिया जाएगा जिसमें आपको आपको किस श्रेणी में कार्य करना है और किस मंडल में आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए देखते हैं दिनांक 10/2/2018 NASB उम्मीदवार, उसके बाद आप इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार नोट करें कि पद की योग्यता स्थिति चिकित्सा उपयुक्तता प्राथमिकता और उन श्रेणियों के उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पद का आवंटन किया जाएगा। जो पद होगा वही पद होगा जिसमें आप सूटेबल हो, जैसे अपॉइंटमेंट्स के लिए 6x6 मांगा जा रहा है, 6x9 और 6 जो आपको जो गूगल्स भी उपलब्ध करा दी जा रही है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या है, आवंटन हेतु पद श्रेणी की प्राथमिकता मुख्य आधार पर होगी, फिर भी अभ्यर्थी पदस्थापन जगह की प्राथमिकता दे सकते हैं जो मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में बटी है, जो मुंबई जोन है उसके 6 क्षेत्र बांटे गए हैं दोस्तों। उसमें सबसे बड़ा, सबसे पहले आपको यहाँ पे विकल्प, ये जो डिवीज़न मंडल दिखा हुआ है उसके सामने भरना है कौन सा मंडल आप लेना चाहते हैं। विकल्प में सबसे देखिए दोस्तों मुंबई मंडल क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मुंबई मंडल क्षेत्र, और दूसरे में लिखा हुआ है दोस्तों बड़ोदरा मंडल क्षेत्र। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, जो ऊपर साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों, ठीक है। और अगला देखिए अहमदाबाद मंडल, इसको भी आपको भरना है इसमें सामने वाले कॉलम में। और उसके बाद देखिए रतलाम, जो मुंबई जोन में जो मुंबई जोन में जो मंडल आते हैं उनको आपको भरना है, रतलाम को भरना है दोस्तों। राजकोट है एक, दूसरा है भावनगर मंडल क्षेत्र, ये 5, ये 6 मंडल आपको दे रखे हैं दोस्तों। इनमें से आपको 6 को भरना है कि किस मंडल में आप जाना चाहते हो। आपको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आपको इसकी रैंक भरना है कि किस रैंक पे कौन सा आपको मिले। तो इसके इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, घोषणा क्या करनी है आपको। इसमें देखिए मैं जानता हूँ कि मेरी श्रेणी और तैनाती के स्थान की प्राथमिकता के बावजूद प्रशासन योग्य स्थिति, उस समय खाली पदों की स्थिति और उस समय प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर श्रेणी का आवंटन और तैनाती का स्थल निर्धारण कर सकता है। अगर देखो 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 दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ कि मेरी श्रेणी और तैनाती के स्थान पर प्राथमिकता के बावजूद प्रशासन, जो रेलवे प्रशासन है वो आपको कहीं भी तैनाती दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ मंडल इसलिए भरवाए जा रहे हैं कि ताकि आपको हो सके तो आपको जो सूटेबल है वही मंडल मिले दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें मैं ये भी जानता हूँ कि यदि चिकित्सा परीक्षण में किसी प्रकार की अस्वस्थता आदि के कारण विलंब पुनः चिकित्सा परीक्षण दस्तावेजों को जमा कराने में देरी या चिकित्सा परीक्षण के लिए रिपोर्ट करने की देरी मेरे कारण हुई है, ऐसी स्थिति में योग्यता स्थिति के अनुसार तैनाती है, तैनाती के स्थल और श्रेणी के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा। अगर आप जो डॉक्यूमेंट अगर नहीं ले जाते हो, एक चीज़ और बताऊँ कि डॉक्टर इसमें इस वीडियो के अंदर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मिल जाएगी दोस्तों कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको वहाँ पे, तो आप उसको वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। देखिए इसमें आपके हस्ताक्षर करने, उम्मीदवार का नाम और अनुक्रमांक। देखिए दोस्तों ये आपका फॉर्म था जो मैंने कंप्लीट बताया, इसके बाद चलते हैं आगे, अगला फॉर्म कौन सा है जिसको आपको भरना है। ये फॉर्म भी आपको वहाँ भरवाया जा रहा है, ये फॉर्म मैंने पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, इसको आज और देख लीजिए। अभ्यर्थी का नाम अच्छी तरह भरना है दोस्तों, इनको आप कंप्लीट करके जाएँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ, लास्ट में मेरा दोस्त था जो मुंबई जोन में मेडिकल दे रहा है, तो आज उसने वहाँ पर जो वहाँ की स्थिति है कुछ वीडियो के माध्यम से मेरे को बताइए और मेरे सेंड करी, तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में वो वीडियो भी दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट तो आपको ले जाने हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले DV कॉल लेटर विथ फाइल, आपको फाइल बनवा के ले जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ऑप्शनल फॉर्म अलग से ले जाना है, फोटोग्राफ, रिटर्न फॉर्म और डिक्लेरेशन ऑफ OBC CIF एप्लीकेशन, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं आपको, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से, PET कॉल लेटर जो आपका PET का कॉल लेटर है, CBT कॉल लेटर जो CBT का कॉल लेटर है,
एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी ले जानी है दोस्तों। उसके बाद देखें आधार कार्ड, आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको तो ले जाना है दोस्तों। ठीक है, 10वीं पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आईटीआई, अगर आप आईटीआई तो आईटीआई वाली भी ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इन काउंट जनरल फोर एंड वन सेट जेरोक्स फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। आपका जो सेल्फ अटेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट, ये जो आप जो देख रहे हो ये मुंबई जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे ये इस पे जो गेट है गेट पे चिपका हुआ था दोस्तों, उसका वहाँ पे फोटो खींच के मेरे दोस्त ने मेरे को बताया है। और इसमें देखिए ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के निकट विंडो पर जाकर 24 रुपये का टिकट लेता है और कमरा नंबर एक में मेडिकल मेमो मेमो बनाएगा। जो 24 रुपये लेता है और मेडिकल का जो मेमो होता है, जो आपको मेडिकल में मेमो चाहिए वो मेमो वहाँ पे बन रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट आपको इम्पोर्टेंटली जो अधिसूचना जारी करके रेलवे ने बता दिया था, उसके बावजूद भी आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ ले जा नहीं रहे और आप उसका खामियाजा वो खुद भुगत रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम कोटा की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल कल कल 4 बजे के लगभग आपको मिलेगी साइट पे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको देखना न भूलें दोस्तों। उस पर आपको पूरी डिटेल एक एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी कि और आपको वहाँ का जो माहौल है कि कैसा माहौल है, कैसा क्या चल रहा है, उसकी वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा। जहाँ तक हो सकता है मैं उसको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। मेरा दोस्त है जो वहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा लाइव आके वहाँ की पूरी डिटेल आपको बता सकता हूँ दोस्तों। देखिए तहत ये अधिसूचना जारी के दस्तावेज सत्यापन हेतु शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जिनके दो सेट अलग अलग निम्न क्रमानुसार लेकर करने, निम्न में से अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज संलग्न न करे, मैट्रिक का अंक पत्र और मैट्रिक का प्रमाण पत्र यदि हो तो, अगर आपके पास वो है तो चल जाएगा, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में यदि विवरण भरा हो, अगर आपने आवेदन पत्र में जो बारहवीं की जो डिटेल भरी है तो आप दे सकते हो, नहीं अन्यथा कोई दिक्कत है। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र यदि हो तो, स्नातक का अंक पत्र, सिर्फ पार्ट थर्ड का अंक प्रमाण पत्र आवेदन में विवरण भरा हो तो, स्नातक की डिग्री यदि हो तो, पुरानी ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र, जो पुराना है पुराना ओबीसी एसटी एसटी का प्रमाण पत्र लाना है, ओबीसी का लेटेस्ट प्रमाण पत्र जिसे क्रिमिलियर नहीं होने का उल्लेख हो, एसटी एससी को लेटेस्ट प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, जो एसटी एससी है उनको लेटेस्ट प्रमाण पत्र नहीं लगाना है दोस्तों। यदि ओबीसी हो तो ओबीसी होने का स्व घोषणा पत्र 2 मूल प्रतियों में होना चाहिए, यदि आप ओबीसी में हो तो, यदि ओबीसी हो तो ओबीसी होने का स्व घोषणा पत्र 2 मूल प्रतियों में होना चाहिए, यदि आप अल्पसंख्यक हो तो 30 छूट का लाभ अल्पसंख्यक के आधार पर लिया हो तो अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र आपको देना है दोस्तों। उसके बाद यदि आप आय प्रमाण पत्र के आधार पर 30 छूट का लाभ लिया हो तो आय प्रमाण पत्र की प्रति आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के बुलावा पत्र की प्रति, दोनों के आपको आधार कार्ड ले जाना है, उपरोक्त क्रमानुसार मूल प्रमाण पत्रों को भी तैयार कर साथ में लाएं दोस्तों। ये पूरी डिटेल थी और मैं आपको वहाँ की वीडियो जो मुंबई जोन की वीडियो है वो आपको मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा बाद में। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका इसी सहयोग, आपके सहयोग से ही हमारा चैनल चल रहा है दोस्तों। आप फुल सहयोग करिए, हम आपके लिए नई नई न्यूज लाएंगे। और आज के लिए इस वीडियो में मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ और चलते हैं। ठीक है दोस्तों।